Wow! Happy birthday to you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज है टुकू का बर्थडे। ये टुकू का फोर्थ बर्थडे है और दिन की शुरुआत जो है वो हुई है ब्रेकफास्ट प्रिपरेशन से। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ रवा इडली। घर में और भी लोग आए हैं, लाइक मेरे मम्मी पापा आए हैं, भाई भाभी आए हैं। टुकू उठ चुकी है तो चलिए उसे विश कर देते हैं। Happy birthday to you. और टुकू जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है और अभी मंदिर जाना है, तो उसके लिए ये वाला ड्रेस जो है ये मैंने मीशो से मंगाया था टुकू के लिए, और इस थोड़ा फिटिंग इशू आया है तो मेरी भाभी ने उसको फिक्स कर दिया और अभी टुकू के हाथ और पैर में नेल पॉलिश लग रहा है। तो हम तीनों अभी फिलहाल मंदिर जाने के लिए निकले हैं और घर के पास में ही मंदिर है, तो वहाँ जाने से पहले यहाँ पे कुछ मिठाई उठाना था। तो टुकू को लड्डू बहुत पसंद है और जो मंदिर जा रही हूँ वो भी हनुमान जी का है, तो उनके भोग के लिए हम यहाँ पे लड्डू लेने आए हैं। मंदिर में बहुत अच्छे से पूजा हो गई और पंडित जी से आशीर्वाद ले लिया। उसके बाद हम घर आए और घर में टुकू जितने भी बड़े हैं सबसे आशीर्वाद ले रही है। फिर घर की मंदिर में पूजा किया, घी का जो मतलब दीप होता है वो जलाया टुकू के नाम से। तो टुकू के फोर्थ बर्थडे के लिए हम लोगों ने यहाँ ट्राई स्कूटर मंगाया है और ये उसे चाहिए था बहुत दिनों से, बट हम होल्ड पे डाल रहे थे और बर्थडे पे ही हम देना चाहते थे। और ये बहुत स्टर्डी है, अगर आपको ये लेना है अपने बच्चे के लिए तो आप इसे ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैंने छोड़ दिया है। अमेजोन से एक और पैकेज मैंने मंगाया है, ये एक्चुअली हेलमेट है जो रवि ने मंगाया मेरे लिए, क्योंकि अभी जो बाइक है ना, बाइक पे थोड़ा बहुत ट्रैवल करना स्टार्ट किया है मैंने, तो ये वाला हेलमेट है, वेगा का है और काफ़ी अच्छा है, पिंक कलर का है। इन केस अगर आपको ये चाहिए तो इसका भी जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। जो भी चीज़ें मैं अमेजोन से परचेज करती हूँ ना उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी शाम हो चुकी है और टुकू का जो केक कटिंग सेलिब्रेशन है वो हम बाहर रख रहे हैं, एब्सोल्यूट बारबेक्यू जा रहे हैं हम, तो वहीं पे टुकू का केक भी वहाँ पे कटिंग होगा और साथ में हमारा डिनर भी होगा। तो मैं भी रेडी जो है वो हो रही थी और टुकू मुझे जब देखती है ना, लाइक लिपस्टिक और काजल ये सब लगाते हुए, तो उससे भी मन होता है, तो ओकेजनली कभी कभी उसको मैं लगा देती हूँ। और यहाँ पर वो रेडी हो चुकी है। हम लोग यहाँ वेन्यू जो है पहुँच चुके हैं और टुकू अपने नाना के साथ है।
एब्सोल्यूट बारबेक्यू मैं लगभग 7 साल के बाद आ रही हूँ। एक बार और मैं गई थी जब फर्स्ट टाइम बैंगलोर में जब वो ओपन ही हुआ था। मारातली में सिर्फ एक ब्रांच था उस टाइम पे मैं गई थी, और अभी 7-8 साल हो चुके हैं उसके बाद मैं जा रही हूँ। काफ़ी अच्छा है वहाँ का खाना पीना एंड ऑल, और जो हमने बताया था कि स्पेशल ओकेजन है तो इस तरह से उन्होंने लाइक डेकोरेट भी कर दिया थोड़ा बहुत। इधर देखो इधर, चुको देखो इधर, अच्छा लगा। और हमने ये पूरा 2 जो टेबल है वो बुकिंग की थी क्योंकि हमारे साथ लोग भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो मैंने ये जो बुकिंग है ये लगभग 1 हफ्ते पहले ही मैंने कर दिया था एब्सोल्यूट बारबेक्यू में, क्योंकि संडे को था टुकू का बर्थडे। टुकू लाइक ये सारा डेकोरेशन वगैरह देख के ना बहुत खुश हो गई है, और जब भी टुकू का बर्थडे आता है ना एवरी ईयर आई ऑलवेज लाइक यू नो मैं शब्दों जो होता है ना शब्द कम पड़ जाते हैं और इमोशंस ना भर भर के आते हैं, मतलब मैं इमोशनल भी हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। और टुकू जो है वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, इस बार वो 4 साल की जो है वो हो चुकी है। और ये रहा टुकुबा केक, ये हमने बाहर से ही लेकर आए थे हम यहाँ पे, एब्सोल्यूट बारबेक्यू से नहीं लिया था हमने। और साइड से ना ये थोड़ा सा जो है ना कैरी करने में चटक गया था, आप देख सकते हो। और टुकू के जो भी फेवरेट कार्टून कैरेक्टर हैं वो सब हमने यहाँ पे बनवाया है, लाइक टॉम एंड जेरी, कोको मेलन, और ये सब जो है ना वो प्रॉप्स जो होते हैं वो सब मैंने यहाँ पे बनवाया था टुकू के लिए। टुकू का 4th बर्थडे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लाइक रहा, जैसा कि आप देख सकते हो सब हैं, लाइक मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे भाई भाभी सब कोई थे, फैमिली से सारे कोई थे। तो और साथ में टुकू को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, फर्स्ट टाइम नाना नानी थे उसके बर्थडे पे। वाओ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। और एज़ यूजुअल टुकू को केक जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। टुकू का जो फर्स्ट बर्थडे है ना, फर्स्ट बर्थडे से लेकर ये 4th बर्थडे तक सारे वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, इन केस अगर आपको चेक करना है तो आप जाकर चेक कर सकते हो। और लाइक आप सारे वीडियो में यही देखोगे कि वो जैसे ही केक कटिंग होता है, इनफैक्ट उसके पहले से ही वो केक ना है वो खाना शुरू कर देती है, उसको इतना पसंद है। तो यहाँ पे जो है केक कटिंग हो चुका है, उसके बाद फिर हम लोगों का डिनर स्टार्ट हुआ। तो थोड़ा बहुत जो मेन्यू है ना वो मैं आपको दिखा दूँगी यहाँ पे एब्सोल्यूट बारबेक्यू का। तो जैसे ही हम पहुँचे तो उसके साथ ही यहाँ पे उन्होंने पानी पूरी वहाँ पे हमें ला के दिया टेबल पे, और उसके साथ ही जो वेज स्टार्टर है वो और नॉन वेज स्टार्टर वो दोनों ही ला कर यहाँ पे ग्रिल पे रखा उन्होंने। वेज में आप वैरायटी देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी भी है। पनीर का आइटम था, मशरूम था, ग्रिल्ड फ्रूट्स उन्होंने दिए थे। ये एक पोटैटो का आइटम था जो स्टार्टर में हमेशा वो इंक्लूड करते हैं। कबाब था, ये वेज कबाब है। आपको मैं यहाँ पे वेज आइटम जो है वो मैं दिखा रही हूँ। जो स्प्रेड है, फाइनल जो मेन्यू रहेगा ना वो आपको दोनों का ही मैं दिखाऊंगी।
टुकू को बाहर में खिलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत कम हो जाता है उसके लिए कि क्या खिलाएं, समझ में नहीं आता। लाइक नूडल्स वगैरह है या पास्ता है, तो जो शेफ थे ना वहाँ के वो बहुत अच्छे थे, जो भी बच्चों को पसंद आता है ना वो सब मुझे ला के, वो खुद ही ला के यहाँ पे टेबल पे भिजवा रहे थे। सो दैट वॉज रियली स्वीट ऑफ हिम। तो थोड़ा सा उसने नूडल्स खाया और उसके बाद थोड़ा सा पास्ता खाया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये छोले और यहाँ पे ये भुना मटन था, और साथ में ही एक और कॉम्बिनेशन था, लाइक कुलचे और छोले का कॉम्बिनेशन था वेज में, और नॉन वेज में छोले और भुना मटन का जो कॉम्बिनेशन होता है ये दो था। तो ये लाइव काउंटर है वहाँ पे, जहाँ पे कि आप अपनी पसंद की चीज़ें बनवा सकते हैं। जो भी लाइव काउंटर में जो भी आइटम अवेलेबल है उन सारी चीज़ों में अपनी पसंद की चीज़ें डलवा कर आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने एक और लाइक वेज में मैंने देखा ये लोग ना ग्रिल्ड पाइनएप्पल दे रहे थे। तो नॉर्मल एक ग्रिल पाइनएप्पल तो आपके टेबल पे वो भेजते ही भेजते हैं, स्टार्टर का पार्ट होता है, और उसके साथ ही ना अलग से वो थोड़ा स्पाइसी टाइप का पाइनएप्पल था जो सारे टेबल पे जाके वो खुद से सर्व कर रहे थे, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप जब भी जाते हैं ना आप सलीम कार्डू की आप जरूर ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे ये वेज सूप है, वेज सूप में लेमन कोरिएंडर सूप था, ब्रेड क्रम्स भी है इनकेस अगर आपको चाहिए आप ले सकते हो, चिकन सूप भी था नॉनवेज सेक्शन में। और यहाँ से इसका स्प्रेड स्टार्ट होता है, तो आप ना यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको लेबल दिखा रही हूँ, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि क्या क्या आइटम है जो यहाँ पे अवेलेबल है। और ये सारा सैलेड सेक्शन था, यहाँ का मटर पनीर ना गाइस मस्ट ट्राई है, अगर आप जाते हो ना तो जरूर ट्राई करना। इवन दो आप नॉन वेजिटेरियन हो आप मटर पनीर जो वहां का है वो जरूर ट्राई करना। अब आते हैं यहाँ डेजर्ट सेक्शन में, यहाँ पे आप देख सकते हो मूंग दाल हलवा था और साथ में ही गुलाब जामुन था, और उसके अलावे ही भी ना बहुत वाइड रेंज था डेजर्ट का यहाँ पे। लाइक आपको लाइव यहाँ पे काउंटर था जहाँ पे आप खुद से आइसक्रीम बनवा के खा सकते हो, मालपुआ था, रबड़ी साथ में यहाँ पे है कॉम्बिनेशन में था, जलेबी था, तो आप जलेबी रबड़ी का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, लाइक मालपुआ और उसका कॉम्बिनेशन बना सकते हो। और इसका जो एम्बियंस है ना अंदर का ऐसा है कुछ, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा एरिया है, आप अगर बहुत ज़्यादा लोग भी जाते हो ना तो ईजिली अकोमोडेट कर जाओगे। और जो हमारा आज का दिन था और टुको का बर्थडे जो है वो होता है ख़त्म। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच for watching this video and keep watching my videos. Bye.